हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वन कॉन्सेप्ट डे सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। बीबीआईएन स्टैंड फॉर बांग्लादेश भूटान इंडिया एंड नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। तो जानेंगे बट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट इन साउथ एशिया। ठीक है, ये एक रीजनल एग्रीमेंट है और इसमें इन सभी देशों का क्या स्टांस है। साथ साथ ये भी समझेंगे कि भाई सार्क जैसी प्रोमिनेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के होते हुए भी क्यों अलग से बीबीआईएन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट अलग से बनाना पड़ा, और किन किन सेक्टर्स में अगर ये एग्रीमेंट फाइनली साइन होता है तो किन किन सेक्टर में इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। सो अभी रिसेंटली क्या है, इंडिया बांग्लादेश एंड नेपाल ने ये डिसाइड किया है, एक एमओयू साइन किया है अलग से एंड डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू सून, ठीक है, इसे शुरू करेंगे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को। हालांकि भूटान इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। भूटान ने अपने कंसर्न्स बताते हुए कहा कि भाई हम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि 2017 में उन्होंने पहले ही कह दिया था, बट फाइनली उन्होंने अपने, हमें ये उम्मीद थी तीनों देशों को कि शायद एक दो साल और लगा के अगर भूटान की पार्लियामेंट एग्री करती है तो सभी देश चारों मिलकर जो है इसको लागू करेंगे। लेकिन फाइनली तीन ही देश जो हैं, जिसमें इंडिया बांग्लादेश और नेपाल, फाइनली डिसाइडेड एक एमओयू साइन किया कि हम इसे अब जो है इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन ये लिया गया है, स्पेशली साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो समस्या है वो है आपका रीजनल इंटीग्रेशन का। व्हेन इट कम्स टू द रीजनल इंटीग्रेशन, अगर हम साउथ एशिया को कंपेयर करें साउथ ईस्ट एशिया के साथ या यूरोप के साथ, तो बहुत ही कम इंटीग्रेशन हमें यहां देखने को मिलता है। ठीक है, एक सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 5% ही आपका रीजनल इंटीग्रेशन है साउथ एशिया में, जबकि ये इंटीग्रेशन हमें 25% के आसपास मिलता है साउथ ईस्ट एशिया या एशियन नेशंस में। और अगर मैं यूरोप की बात करूं तो 60% के आसपास जो ट्रेड है ये आपस में ही कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ 40% जो है ट्रेड डिपेंडेंसी इनकी पूरी दुनिया पर है। इकोनॉमिक जो नीड्स है उनको वो पूरी दुनिया या वर्ल्ड से पूरी कर रहे हैं, 60% तो आपस में मिलके ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रीजनल इंटीग्रेशन है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के माध्यम से हो, ये साउथ एशिया में सबसे कम है। ठीक है, हालांकि सबसे ज्यादा कल्चरल सिमिलैरिटी अगर मैं बात करूंगा तो साउथ एशिया में ही देखने को मिलती है। देखिए, इंडिया से ही पाकिस्तान निकला है, इंडिया से ही आपका एक समय नेपाल भी भाग हुआ करता था, या बांग्लादेश की बात कर लीजिए। ठीक है, तो रीजनल एक हिस्टोरिकल और कल्चरल सिमिलैरिटीज पूरे रीजन में ज्यादा होने के बावजूद भी एक इंटीग्रेशन की, रीजनल इंटीग्रेशन यहां पर बहुत कम है, बहुत ही लीस्ट इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। ऑलराइट, नाउ बिकॉज ऑफ दीज ऑल रीजंस हुआ क्या है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया साउथ एशिया का। अभी भी पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पुअर जीडीपी, ऑलराइट, या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये समस्या जो है ये अभी भी इस पूरे रीजन में देखने को मिलती है। स्पेशली जो ये छोटे देश हैं, भूटान हो गया, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देश हैं, यहां पर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं किया, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ठीक है, जीडीपी बहुत लो है, जितना कि बढ़ना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। स्पेशली जो लैंडलॉक रीजन्स हैं भूटान एंड नेपाल, जिनकी डिपेंडेंसी काफी हद तक इंडिया पर बनी हुई है। ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ दीज ऑल रीजन्स अगर ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पास होता है या सभी देश इस पे एग्री करते हैं तो इससे क्या होगा, आसानी से जो शिपमेंट्स हैं या आसानी से जो कार्गो है वो मूव कर पाएगा, जिससे क्या होगा ट्रेड ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और इकोनॉमिक इससे और बेनिफिट होंगे। और फर्दर ये हो सकता है कि आने वाले समय में, जैसे अभी मैं नेपाल और भूटान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो इनको अगर फर्दर थर्ड नेशंस किसी और के साथ ट्रेड करना है तो हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, कोलकाता पोर्ट हो गया, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया। ऑलराइट, तो हो सकता है फर्दर आपके बांग्लादेश भी काफी हद तक और ज्यादा अपने पोर्ट्स का इस्तेमाल करने दे। हालांकि अभी भूटान को परमिशन है कि वो चिटगांव पोर्ट से ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये आपके बीबीआईएन के माध्यम से बनेगी। नाउ अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये है कि भाई सार्क जैसी प्रोमिनेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के होते हुए, जो कि साउथ एशिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बीबीआईएन जैसे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को अलग से पारित करने की क्या आवश्यकता हुई। अब इसका जवाब है कि भाई सार्क जो है, सार्क वॉज फेल्ड, सार्क नहीं पहले डिसाइड किया था, 2014 में सबमिट हुआ था नेपाल में, उसमें ये डिसाइड किया था कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हम पारित करेंगे सार्क नेशंस के बीच, ताकि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी इसके तहत, या फिर रोड्स बिल्ड किए जाएंगे। ऑलराइट, तो इससे काफी ज्यादा फायदा होगा सभी देशों का। बट हुआ क्या कि पाकिस्तान डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस।
नाउ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान जो आपकी लैंडलॉक कनेक्टिविटी है वो अफगानिस्तान के साथ भी नहीं बन सकती है बिकॉज पाकिस्तान इज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो फाइनली दीज नेशन डिसाइडेड, जिसमें इंडिया, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ही आपस में जो है रीजनल कनेक्टिविटी को बनाएंगे बाय रोड। श्रीलंका इसमें शामिल नहीं हो सकता बिकॉज बाय रोड डायरेक्टली टच नहीं कर रहा इनमें से किसी भी देश को। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिकली स्टूडेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पर्टेनिंग टू द मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। नाउ टॉक अबाउट कि भाई चार देश इसमें शामिल थे, 2015 में इसको साइन कर लिया गया, लेकिन 2 ही सालों के बाद भूटान डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस। अपने उनके पर्सनल रीजंस थे, जिस पर भी हम फर्दर स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे कि भाई क्यों भूटान एग्री नहीं किया है। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बीबीआईएन के। सबसे पहला है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़े इन सभी देशों में, साउथ एशियन नेशंस में ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक कॉपरेशन होना चाहिए, ट्रेड कॉमर्स बढ़ना चाहिए, ठीक है। इस ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी बढ़ेगा। देखिए जितनी ज्यादा, देखिए इकोनॉमिक एक ऐसा रीजन होता है ना जिसकी वजह से पीपल ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी बढ़ता है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट इन द सेंस इकोनॉमी ही सारी चीजों को प्रभावित करती है कि इकोनॉमिक रीजन से आप शायद हिमाचल के किसी कोने में या पंजाब के किसी कोने में आपका जन्म हुआ, लेकिन पैसों के लिए, नौकरी के लिए, ठीक है, अपनी इकोनॉमी के लिए आप शायद जो है तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। सो इकोनॉमी इफेक्ट्स द रिलेशन, सो पीपल ऑफ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी से बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ इससे टूरिज्म बहुत बूस्ट होगा। देखिए नेपाल की बात कर लीजिए, इंडिया की बात कर लीजिए, ठीक है, ये आपके टूरिस्ट हब हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द पुअर कनेक्टिविटी बहुत कम बायलेटरल या मल्टीलेटरल रीजनल जो हम बात करें टूरिज्म कॉरपोरेशन की, वो बहुत कम है। तो अगर ये आपका मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पास होगा इससे आपके टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई इलिमिनेट ट्रांसशिपमेंट एंड बूस्ट रीजनल ट्रेड। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अभी क्या होता है जब रीजनल ट्रेड किया जाता है इन देशों के बीच, मान के चलिए इंडिया से एक ट्रक गया, ठीक है, कुछ ट्रक गए सामान लेके और नेपाल जा रहे हैं या वो जा रहे हैं आपके बांग्लादेश में, तो यहां पर बॉर्डर्स पर ही उनको रुकना पड़ता है और यहां के जो ट्रक्स होंगे वो उस सामान को लोड करेंगे एंड देन दे विल फर्दर मूव टुवर्ड देयर नेशन, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। इसकी वजह से काफी ज्यादा रिसोर्सेस या काफी ज्यादा खर्चा इसकी वजह से होता है और टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट इसकी वजह से होता है, ठीक है। सो अब क्या होगा अगर ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पारित होगा तो इस प्रकार के जो ट्रांसशिपमेंट होता है अभी तक वो खत्म हो जाएगा, उसे एलिमिनेट आसानी से किया जा सकता है। एंड इट विल ऑल्सो बूस्ट द ट्रेड, स्पेशली ट्रेड पे, ट्रेड के लिए ही तो ये बेसिकली इसकी शुरुआत हो रही है, इससे ट्रेड कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। ऑलराइट, नाउ फर्दर टॉक अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द साउथ एशिया। मैंने आप स्टार्टिंग में ही कहा कि भाई इकोनॉमिक कॉपरेशन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, लेकिन इस इकोनॉमिक कॉपरेशन की होने की वजह से क्या बढ़ेगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन साउथ एशियन नेशंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई 60% हमें क्यों अमेरिका की जरूरत पड़े, हमें क्यों किसी और देश की जरूरत पड़े अगर हम आपस में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाए। ऑलराइट, तो ये बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने यूरोप का एग्जांपल दिया, भाई 60% तो वो ट्रेड खुद ही कर लेते हैं, तो उनकी निर्भरता जो है अमेरिका या अदर किसी वर्ल्ड के नेशन पे उतनी रहती नहीं है। तो सेम इन द केस विद एशियन नेशन, एशियन का ओरिजिन ही इस आधार पे हुआ था कि छोटे छोटे देश हैं अगर एकजुट बन के रहेंगे तभी जो है वो इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर पाएंगे। सो व्हाई नॉट इन द केस ऑफ साउथ एशिया, क्यों यहाँ पे जो है इकोनॉमिक या हर प्रकार से एक इंटीग्रेशन जो साउथ एशिया का होना चाहिए वो क्यों नहीं है, है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। ऑलराइट, सो ये कुछ कारण है स्टूडेंट्स। हालांकि देखिए कल्चरल सिमिलैरिटी है, अब जो धार्मिक धर्म की बात कर लीजिए या कल्चर के बेस पे बात कर लीजिए, सेम फेस्टिवल, सेम भाषा या काफी हद तक दिखने वाले एक सिमिलर लोग जो है इस पूरे रीजन में मिलते हैं, इसके बावजूद भी ये डिफरेंसेस हैं जो कि नहीं होने चाहिए। नाउ टॉक अबाउट फंडिंग की। नाउ फंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बिकॉज ये जो है पार्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये एग्रीमेंट है एक रीजनल एग्रीमेंट है एंड पार्ट ऑफ साउथ एशिया। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसमें फंडिंग करेगा, एग्री किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इवन वर्ल्ड बैंक ऑल्सो शो इंटरेस्ट, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने यह भी बताया है कि इससे होगा जब ये अगर मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पारित किया जाता है, लागू किया जाता है, इससे ट्रैफिक बढ़ेगा, रीजनल जो ट्रेड ट्रैफिक है वो तकरीबन 60% तक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। नाउ अब कंसर्न पे बात करते हैं भूटान के। भाई भूटान जो है, भूटान जैसा देश जो कि बहुत अमीर नहीं है,
ठीक है, जीडीपी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लो जीडीपी है इनका, इसके बावजूद भी वाई दे डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस। देखिए भूटान का जो इकोनॉमिक मॉडल है ना, वो बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भाई हम ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं चाहते, वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिससे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, वो हार्म हो। ठीक है, हमारे लिए जो पर्यावरण है, हमारी हैप्पीनेस है, लोगों की खुशी है, वो पर्यावरण से जुड़ी है। ठीक है, वो ज्यादा उसको वो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बहुत ही फाइन उन्होंने ये बात की, अगर पूरी दुनिया के देश ऐसा सोचते तो शायद इतना ज्यादा जो समस्याएं आज हमारे सामने हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन या डिफरेंट काइंड ऑफ हैजर्ड्स जो हमें देखने को मिलते हैं इन्वायरमेंटल, वो नहीं होते। ठीक है, तो ये इनका मॉडल है। भूटान का जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनकी टॉप प्रायोरिटी में यही है। आपको जान के हैरानी होगी कि भूटान एक कार्बन नेगेटिव नेशन है। कार्बन नेगेटिव नेशन का मतलब ये है कि भाई जितना कार्बन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे डबल वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं। ठीक है, 30% अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 60-70% जो है वो एमिट कर रहे हैं। इतना ज्यादा एनवायरमेंट की तरफ लोगों का रुझान है और सरकार का भी रुझान। देखिए लोगों का ही तो वॉइस जो होती है वो गवर्नमेंट होती है, तो बिकॉज ऑफ द पीपल्स जो प्रेशर है उसकी वजह से सरकार भी इसको अभी तक पारित नहीं कर पाई। भूटान की पार्लियामेंट डिसाइडेड नॉट टू इंडोर्स दिस प्लान। हालांकि देखिए स्टार्टिंग में 2015 में उन्होंने साइन किए हैं, बट बाद में जब लोगों की राय ली गई या और भी फैक्टर्स देखे गए तो ये डिसाइड किया गया। हालांकि इसके भी सॉल्यूशन थी कि कैप लगा दिया जा सकता था कि भाई 100 व्हीकल ही डेली के जो है वो पास करेंगे या 200 ही पास करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है दे डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि क्या होगा, इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा यहाँ का। ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ेगा, और ये सबसे बड़ी समस्या है कि भाई ट्रैफिक बढ़ेगा यहाँ का, तो और पर्यावरण को इन तीनों ही कारणों की वजह से नुकसान हो सकता है। तो द भूटानी पीपल डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ दिस और द भूटानी गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू बी द पार्ट ऑफ। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई हमें कोई समस्या नहीं है, अगर तीनों देश मिलकर इस पे काम करें सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड देन फाइनली नाउ इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश ने डिसाइड किया कि अब हमें भूटान के अलावा ही इसको मूव करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने बात की बीबीआईएन के कंटेक्स्ट में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रीजनल आपका एग्रीमेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।